व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं ज़रदोज़ी की लीफ लोडिंग। काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आपको जानेंगे काफ़ी आप आसानी से फिनिशिंग में सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको जो है पहले ज़रदोज़ी लेना है। ठीक है, आप जो गोल्डन थ्रेड बोलेंगे तो आपकी जो कटिंग कर रही है, आपकी जो साइज़ रखनी है, ठीक है, आपको ध्यान देना है ये एक इंच थोड़ा बड़ा है, हम इतनी हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे। और उसके ऊपर हमको लोडिंग देना है, उसकी भी साइज़ आप प्रॉपर शेप में देख लीजिए हम कितनी रख रहे हैं। उतना ही आप रखोगे तो आप जो पत्ती सिलने वाले हो वो काफ़ी बेहतरीन यानी कि फिनिशिंग में सिलेगा। ठीक है, तो आपको हर साइज़ का ध्यान देना है कि हम कौन सा साइज़ ले रहे हैं, कौन सी पत्ती है, कितने साइज़ की पत्तियाँ हैं, उसमें आपको देखना है कितना हम लोडिंग के लिए पत्ती ले रहे हैं। तो आपने कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद आपको चाहिए निडल। आरी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपको चाहिए निडल, तो आप कौन सा निडल लेंगे, जो मैं भी यूज़ करता हूँ 8 नंबर। आप आयरन में भी ये सेम नंबर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन होता है हमको इसको ज़रदोज़ी सिलने के लिए। ठीक है, पहले फर्स्ट हम पत्ती की पैटर्न देंगे। तो पट्टी की पैटर्न देना कैसे है, आपको आउट लाइन मारते हुए ऐसे चले जाना है। ठीक है, प्रॉपर शेप में आपको आउट लाइन मारना, ताकि आप जो लोडिंग सिलोगे आपकी जो प्रॉपर शेप में आपका जाना चाहिए। तो पहला स्टेप आपका क्या है, पहले आपको मिडल से ज़रदोज़ी फेंकना है, यानी कि जो आप साइज़ काट रहे हो ना उससे हल्का सा आपको छोटा लेना है, वही आपको पहले मिडल पे गिराना है। ठीक है, तो पहले आपने मिडल पे गिरा दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सारे जो साइज़ आपने काटा है प्रॉपर साइज़ सेम साइज़ काटा है, ठीक है, उसको आपको वन साइड से गिराते हुए जाना है। आप कैसे गिराओगे उसको, वन साइड से आप एक टका एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है, फिर आप बैक आओगे, वहाँ पे आपको एक टका और एक एक्स्ट्रा निकालना है, काफ़ी उसके स्ट्रेट निकालना है, ताकि आपका जो आप फेंक रहे हो जो डंडी, ठीक है, लोडिंग के लिए, वो आपका प्रॉपर शेप में आपका क्रॉस में ही आए, तो उसको उस पर ही लॉक करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक टका एक्स्ट्रा निकालना है। ठीक है, छपाई हुए निकालेंगे आप, फिर आप जब अंदर साइड में आओगे तब उसको एक टका आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके स्ट्रेट में। ठीक है, आप उसके स्ट्रेट में एक टका दोगे तो आपका प्रॉपर टाइप में आपका जो लोडिंग है वो फिनिशिंग में आएगा, वो आपका जो लोडिंग है एक के ऊपर चढ़ेगा नहीं, ना गैप आएगा। देखो, फिनिशिंग सिलने का जो तरीका है ना, वो आपको वन साइड आप करोगे ना, तो आपका तरीका जो है फिनिशिंग का वो काफ़ी बेहतरीन होगा। आप दोनों साइड से एक साथ में लेके चले जाओगे ना तो वो गलत हो जाता है, उसका फिनिशिंग नहीं आ पाता है। एक के बाद एक छोड़ जाता है, कहीं पे गैप नहीं बना तो कहीं फिर आपका प्रॉब्लम हो जाती है, ख़राब हो जाता है। तब वो क्या करना है, वन साइड से आपको लेके चलना है पहले। ठीक है, पहले स्टार्टिंग आपको मिडल से करना है, मिडल से आपको छोटा सा पीस, यानी जो आप फेंक रहे हो ना कंटिन्यूसली, उसमें से हल्का सा छोटा पीस आपको फेंकना है स्टार्टिंग मिडल में। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से पहले एक साइड में आप ले लिया, फिर दोनों साइड पर आपको करना है। एक साइड में पहले आपने पूरा लाइन मार दिया, पूरी लोडिंग कंप्लीट कर ली वन साइड की, उसके बाद आपको दूसरे साइड में जाना है। दूसरे साइड में भी जाके आपको सेम ऐसे ही करना है, जैसे आपने फर्स्ट साइड में किया है वैसे आपको सेकंड साइड में भी करना है, इसी तरीके से जैसे हमने आपको दिखाया है कि आप जब मारोगे टाका, छपाई से उठाओगे, अंदर साइड में जाओगे तो वहाँ पर भी स्ट्रेट टाका आपको एक टाका एक्स्ट्रा मारना है, और ऊपर जाओगे, ऊपर जाके भी आपको एक टाका एक्स्ट्रा लेना है धागे का, जब फेंकोगे ज़रदोज़ी तो वहाँ पर भी आपको एक टाका एक्स्ट्रा लेना है, जिससे आपकी जो पत्ती की जो फिनिशिंग है लोडिंग की, ठीक है, लीफ लोडिंग काफ़ी बेहतरीन बनेगी, काफ़ी फिनिशिंग में बनेगी। तो आपको सिर्फ आसान सा टिप है जो आपको ध्यान देने की बात है, जिससे आपकी जो सुधार आएगी फिनिशिंग में वो काफ़ी बेहतरीन आएगी। ठीक है, तो आप कुछ सीखना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, हम आपको सिखाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि दोबारा इसको कैसे करेंगे रिपीट। आपको ध्यान देना है हमारे हर तरीके पे, हर स्टाइल पे। ठीक है, हम जो टिप्स देते हैं काफ़ी फिनिशिंग टाइप टिप्स देते हैं, जिससे आप जो वर्क करते हो काफ़ी फिनिशिंग में करते हो, आपका जो लुक आएगा वो काफ़ी बेहतरीन आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले आपको पैटर्न देना है, आपको जो साइज़ काटना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा काटना है आपको, उतना साइज़ काटना है। आप जो इतना बना रहे हो लोडिंग, ठीक है, आप पत्ती की साइज़ इतनी बना रहे हो तो आपको उतनी साइज़ काटनी है। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि जो साइज़ हमने जो काटा है फ्लावर का जो बनाया है वो 1/2 इंच थोड़ा सा बड़ा है, जो फ्लावर का जो शेप है, पत्ती की जो शेप है लीफ की, वो 1/2 इंच थोड़ा सा बड़ा है। उसके लिए आपको क्या काटना है,
1 इंच से थोड़ा ज़्यादा काटना है, ठीक है, ताकि दोनों को अगर हम मिडल करेंगे तो आपका साइज़ है प्रॉपर आ जाएगा। तो ये आधे इंच से थोड़ा हल्का सा बड़ा पत्ती है, ठीक है, लीव जो बनी है हमारी थोड़ी बड़ी है, तो आपको जो काटना है मटेरियल वो 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा काटना है, ताकि आपको दोनों जब आपको एक साथ में करेंगे तो आपका अच्छे से प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको करना है, स्टार्टिंग से आपको मटेरियल फेंकना है, वो जो काटेंगे आप उससे हल्का सा छोटा उसी को मिडल पे आपको फेंकना है, फिर आपको साइड में जाना है, वो इसी टाका आपको एक्स्ट्रा लेके दोनों साइड में सिलना है, ठीक है। आपने छपाई तक गए एक्स्ट्रा टाका ले लेके, उसके बाद आपने जब जिस फेंका ना, तो आप जब मिडल में फेंक रहे हो वहाँ पे भी आपको टाका एक्स्ट्रा उसके स्टेट का यानी कि स्टिच में स्टिच करना है आपको, यानी कि आप फेंक रहे हो मिडल पे, मिडल पे भी आपको एक टाका एक्स्ट्रा लेके उसको स्टिच करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आजू बाजू नहीं एकदम स्ट्रेट, जैसे आप जरूरी फेंक रहे हो उसके बाजू में आप बारीक टाका आपको स्टार्टिंग निकालना है, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये वाली पत्ती पे देखेंगे कैसे करेंगे हम, तो आपको स्टार्टिंग से छोटी सी पीस, ठीक है, जो आपने काट के रखा है उससे हल्का सा छोटा पीस लेना है आपको, उसको मिडल पे देना है, सिर्फ उसको ही छोटा पीस देना है, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमने काट के रखा है सेम साइज़ का, ठीक है, वही हम वन साइड में पहले स्टिच करेंगे, काफ़ी स्मूथ और फिनिशिंग टाइप में करना है हमको, काफ़ी घाई नहीं करना है, जितना आप इसमें टाइम दोगे उतना आपके हाथ में फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो हर एक लाइन को आपको टाँकना है, स्टिच करना है, आपको हर लाइन में एक्स्ट्रा डाका उसका स्ट्रेट लेना है, ठीक है, उसके स्ट्रेट में आपको एक्स्ट्रा डाका लेना है, काफ़ी बारीक डाका लेना है, जिससे आपकी फिनिशिंग है वो काफ़ी बेहतरीन आएगी, आप पत्ती सिलोगे तो आपका वर्क जो है वो काफ़ी फिनिशिंग रहेगा। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप जो लोडिंग करते हो आपको वन साइड से करना चाहिए, ठीक है, आपको अगर फिनिशिंग में चाहिए पत्ती आप दोनों साइड में करोगे तब भी आपकी पत्ती बन जाएगी, पर फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन वन साइड पहले मारने से ही आता है, उसके बाद आप बीच में कुछ दे सकते हो, बीच में आप चाहे तो जरदोजी फेंक सकते हो जैसे मैंने फेंका है, या फिर आप रेशम की लाइन भी फेंक सकते हो ऐसे में, ठीक है, रेशम यानी कि सिल्क थ्रेड भी आप फेंक सकते हो, काफ़ी बेहतरीन सा लुक आता है, यानी कि अलग कलर का फेंक सकते हो, जैसे हमारा गोल्डन जरदोजी है तो उसमें आप अलग कलर्स के जरदोजी फेंक सकते हो, या फिर सिल्क थ्रेड फेंक सकते हो, जो कि लुक काफ़ी बेहतरीन आता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये आप टेक्निक यूज़ करो, इस तरीके से आपका जो फिनिशिंग वर्क है जरदोजी का काफ़ी बेहतरीन आएगा। तो आरे वर्क सीखना चाहते हो आप तो हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, ठीक है, और आपको बेल अकाउंट भी दबाना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, आप हमारे फुल वीडियो वॉच कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन टिप से सिखाया गया है आपको, आप जाइए पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट हम भी देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।